सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही ज्ञान देने वाला शब्द है। धन गुरु नानक। ड्राई कर दो बेटा, ड्राई नहीं, कान में मेरे ड्राई नहीं। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक, गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में बड़ा गहरा ज्ञान दे रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी ना एक भीतर की बात भी करती है और बाहर की बात, दोनों बातें होती हैं। बाहर से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी केवल भीतर की बात करती है, नहीं, दोनों बातें हैं। बाहर से बोलिए धन गुरु नानक, उसका प्रमाण है कई, जैसे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन वाहे मिटाओ। बाहर की बात है ना, तन की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक के कल और कलेश भाव रोग सारे रोग खत्म हो जाएंगे अगर तू सिमरन करेगा, मन के भी और तन के भी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तन वाहे मिटाओ, तन में से जो तेरे रोग हैं कलेश हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब लावा है जिससे ब्याह होता है, शादी होती है, चार लावा है, बाहर की लावा है, पर अगर इसको ध्यान से विचार करेंगे चार लावा, ये चार पड़ाव हैं गुरु को पाने के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चार लावा की अगर डिटेल में कथा लें तो बहुत प्यारी कथा है ये और बड़ा ज्ञान है। चार अवस्थाएं होती हैं जिसे पाकर
प्रभु को पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन चार अवस्था को चार लावों में बयान किया गया है कि जिस प्रकार एक स्त्री और पुरुष आपस में संबंध बनाने जा रहे हैं जीवन भर का, अगर तू प्रभु से संबंध बनाना चाहता है चार लामा तू अगर वो कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान दिया है लाव में, लामा में, बाहर की लामा भी हो गई और भीतर की भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार इस शब्द में व्यापार करने के लिए कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 90% तो यहाँ व्यापारी ही बैठे हैं जो व्यापार करते हैं। सच का व्यापार करने के लिए कहा है। सच का व्यापार यहाँ पर एक भीतर का है, एक बाहर का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच का व्यापार, जब तक बाहर का व्यापार सच्चा नहीं होगा ना, भीतर तो कोई इंसान उतर ही नहीं सकता। बाबा नंद सिंह जी के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाहर का सबसे आसान होता है, भीतर का मुश्किल होता है। हम बाहर देखते हैं, भीतर नहीं उतर पाते। दूसरों के अवगुण देख लेते हैं, अपने नहीं देख पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर का बड़ा आसान है, तन के रोग मिटाने बड़े आसान है। थोड़ा नाम जपोगे ना, डॉक्टर को दिखा दो वो भी ठीक कर देगा कई बार। और मन का रोग, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जन्म लग जाते हैं। भीतर का मुश्किल है, बाहर का आसान है। और हम बाहर भी सच्चे व्यापारी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ने उस दिन कुछ बातें बताई थी कि अगर बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जैसे बिजली का बिल ले लो, मीटर ले लो, लोग हेरा फेरी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मीटर में हेरा फेरी भी करते हैं बाबा नंद सिंह जी को, उस वक्त के वचन हमारे लिए हेरा फेरी है ही नहीं। हमारे लिए तो है गवर्नमेंट लूट रही, हम क्यों दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कहते थे वो उसके कर्म तेरे अपने हैं, तेरे अपने हैं कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कर्म अपने हैं, हमें ये बात बहुत छोटी लगती है। पर कहते थे नहीं, अगर 14 पाठ सुखमणि साहब जी के करेगा 13 माइनस हो जाएंगे तेरे, क्योंकि तेरा व्यापार सच्चा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझो कोई नेम निभाता है 14 दिन, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, 13 दिन का नेम माइनस हो गया क्योंकि वो हेरा फेरियाँ कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचो एक पलड़े में हम अमृत तेले उठे, गुरु साहब जी उठाए, हम मेहनत करें, कराए हमसे, बैठे नाम जपवाए, और फिर छोटी छोटी गलतियों की वजह से। बाबा नंद सिंह जी तो इतनी डिटेल में बताया करते थे, कोई नहीं सोच सकता इतनी डिटेल में। कहते थे लोग मूंगफली की हाथगाड़ी पर जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो जब तक मूंगफली खरीद रहे हैं तब तक 3-4 दाने उठा के मुंह में डाल लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जो माता धनिया लेती हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। फ्री वाला ये यहाँ का ट्रेंड है, ट्रेडिशन है, मिर्ची दे दो, धनिया दे दो फ्री में। वो देता है, उसको भी पता है, वो जो हिसाब रहता है उनका सबका। पर बाबा नंद सिंह जी इसके लिए मना करते थे, इतनी गहराई से सोचते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे वो गरीब आदमी है, तू 4 दाने उसके एक्स्ट्रा खा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देना पड़ेगा। इतनी डिटेल में क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि गुरु नानक पाशा के जीवन की घटना दास ने बहुत साल पहले ली थी। शॉर्ट में लेके दास आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेरा विचार गहरे में उतरने का ज्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले बाहर की छोटी छोटी बातें कर लें। व्यापार सच्चा बाहर का बहुत जरूरी है। अगर हम कपड़ा मापते वक्त हेरा फेरी करके छोटा बड़ा करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई हेरा फेरी करते हैं, बाबा नंद सिंह जी से हेरा फेरी कहते थे। कोई सीधा साधा आ गया रेट ज़्यादा लगा दो, चालाक आ गया रेट कम लगा दो, कहते थे एक मूल्य रखो। और कहते थे फिर निश्चिंत होकर बैठ जाओ, निश्चिंत होकर, देने वाला गुरु है, एक रेट में बहुत फायदा है, बहुत। एक तो मन एकाग्रचित रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे हाथ पांव कर काम सब चीत, ये कैसे होगा अगर 2 रेट होंगे, बार्गेनिंग में टाइम निकल जाएगा। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सामने वाले को पता है यहाँ पर एक ही रेट मिलता है, बात होते ही नहीं दूसरी, आप नहीं दोगे, एक बार चला जाएगा वापस, दूसरी बार आपसे ही आके लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर चीज सही है तो वापस आएगा, ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है। और जिस जिसने माने हैं बात तो उनकी बनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? पंचा दखया सिर मथे पर नाला उथे दा उथे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कहावत है एक आदमी का घर है, उसके नाले में से पानी बहता रहता है गली में, गली गंदी रहती है, तो पास पड़ोस वाले परेशान है, उसे आके कहते भाई नाला बंद करवा दो या पानी का रास्ता दूसरा कर दो, पूरी गली गंदी रहती है। कहते सच्चा तो वचन जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है कर लेता हूँ, पर करता नहीं।
बार बार करके थक गए, हाँ कहते हैं पर करता नहीं। फिर पंचों के पास मामला चल गया, पंचायत बुलाई गई, पंचायत बैठी, उन्होंने भी उसे कहा भाई गली का पानी बंद कर दे गंदा नाले का। वो कहते जरूर मैं तो कल ही बंद करा दूंगा, पर कई फिर भी नहीं प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। तब ये कहावत बनी पंचा दया सर मथे सतवचन जी, पर परनाला उथे दा उथे प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। सतवचन कहते ने परनाला फिर से बह ही रहा है, हमारा भी वही हाल है। सतवचन कहकर उसे जिसने मान लिया बात तो उसकी बनी। बाबा ईश्वर सिंह जी को किसी ने सवाल किया था कि आपने कितनी पढ़ाई की है, प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। जो बाबा नंद सिंह जी के पास जिन्होंने सेवा संभाली, कितनी पढ़ाई की है, बड़े कमाल के वचन है पल्ले बांध लेना प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे हमने 3 डिग्रियां ली है, कहने की 3 डिग्रियां लोग तो एक नहीं ले पाते, कौन सी पढ़ाई की है, प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे 3 डिग्रियां ली है, और 3 डिग्री क्या है, सतवचन जी सतवचन जी सतवचन जी प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये 3 डिग्रियां हमारे पास, 3 क्लासे, बस सतवचन कहना सीखा है बाबा नंद सिंह जी के आगे। सतवचन किस लिए, अगर डांट दें भूल हो गई जी, प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। जो करें भला जी भाणा जी, प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। पब्बा पुला जी पब्बा पाणा जी, 3 वचन, जो गुरु करे वो परवान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहा है सतवचन जी सतवचन जी सतवचन जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है स्त्री पति के आगे, पुत्र पिता के आगे, शिष्य गुरु के आगे, 3 ये वचन मान ले सतवचन जी। कहते थे उसे जप तप करने की जरूरत नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक, सब कुछ झोली में पड़ जाएगा, पर 3 चीजें बहुत मुश्किल है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता पुत्र के आगे नहीं कर पाता, स्त्री पति के आगे नहीं कर पाती, और शिष्य गुरु के आगे नहीं कर पाता, अगर कर ले तो बात ही बन जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बात तो उसकी बनेगी जो मानेगा, हम सुन लेते हैं पर उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, कोशिश होनी चाहिए हमारी गुरु को अरदास करके जाए पाचा मैं इसके ऊपर अमल कर पाऊँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये फ़र्क है, यही फ़र्क है हमारे में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, बड़े ध्यान से समझना इस फर्क को, अच्छे से समझ लेना। चाहे बड़े से बड़ा कोई हो, बड़े से बड़ा, वो आपको अमृत वेले उठने की प्रेरणा दे सकता है, उठा नहीं सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठने की ताकत नहीं दे सकता, ये वो गुरु है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इसके आगे अरदास करोगे ये ताकत भर देगा उठने की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क है, इंसान नॉलेज दे सकता है, ज्ञान केवल गुरु दे सकता है। भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्म नारद वेद व्यास कोई, ज्ञान क्या है जिसको चलने की ताकत भी दे दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हमने यहाँ पे अगर सुना कि सच का व्यापार करना है, सच पे चलना है, बाबा नंद सिंह जी तो यहाँ तक डिटेल में समझाते थे, कहते थे लोग अक्सर कहते हैं भाई मेरा इसमें कोई मुनाफा नहीं, 5% है 2% है, ऐसे झूठ बोलना पड़ता है ना व्यापार में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मेरा इसमें 5% है 2% है क्या कम करूँ, कहते थे मत क्या करो, कह करो कि मेरे खर्चे हैं, मेरा अपना कमाई है, मैं कमाता हूँ, तुम्हें लेना है तो लो, मुझसे झूठ मत बोलो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। कहते थे एक भाव रखोगे मन एकाग्र चित रहेगा, नाम जपने में मन लगाओ ना, हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाल, तब ही हो पाएगा। एक बार दास कहीं हिल स्टेशन में घूमने गया था, वहां बाहर लिखा हुआ था नो टेंशन शॉप, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मुझे मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि नो टेंशन मतलब कुछ सामान मिलता है यहाँ जो टेंशन फ्री कर देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैं अंदर चला गया, बोला नो टेंशन का क्या, कहने लगे नहीं नो टेंशन का मतलब है एक ही भाव है यहाँ पे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ना तुम्हें कोई टेंशन ना हमें कोई टेंशन, एक ही रेट है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, सच है अगर रेट एक हो ना बेचने वाले को टेंशन ना लेने वाले को, नहीं तो बार्गेनिंग करके लेने वाले को हमेशा लगता है शायद मैं ज्यादा दे आया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बेचने वाले को लगता है शायद मैंने कम ले लिया, हमेशा चाहे कितना भी मिल जाए चाहे कितना भी सस्ता मिल जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बाहर के व्यापार की बात हो रही है, एक छोटी सी घटना ले ले, दास गुरु नानक पाशाह जा रहे हैं, बैठे हैं भाई मर्दाना जी के साथ, एक मसाले बेचने वाला वहां से गुजरा,
जो मसाले बेचते हैं ना, एक सर पे रखी हुई है टोकरी, उसमें मसाले रखे हुए, मिर्च मसाला, जीरा, हल्दी वगैरह पिसा हुआ। गुरु नानक पातशाह ने उसे अपने पास बुलाया, पास बिठाया, पूछा ये कौन सा मसाला है, ये कौन सा मसाला है, ये कौन सा मसाला। 15-20 मिनट गुरु नानक पातशाह उससे बात करते रहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, मसाले वाले से सारे रेट वगैरह पूछ के लिया, कुछ नहीं भेज दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्यों तरस आया उसके ऊपर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप तो किसी से बात करते ही नहीं और आज उससे ऐसी बातें कर रहे हो इतनी देर तक, कि मसाला कितने के आपको लेना भी नहीं ना, आप खाते हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे मन किया उसे कितने बड़े भाग्य होंगे। भाई मर्दाना जी कहते हैं जिस आपने बुलाया और इतनी देर बात की, उसे पता ही नहीं आपको, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे उसकी कमाई बहुत ज़्यादा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते वो नाम बहुत जपता है। कहने लगे नहीं, सच का व्यापार करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसके मसालों में मिलावट नहीं है, वो मसालों में जब तोलता है तो हेरा फेरी नहीं करता, थोड़ा ज़्यादा तोल के देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो मसालों में भाव उसने जो मार्जिन है बहुत थोड़ा रखा हुआ, मेहनत करके खाता है। ऐसे इंसान के तो दर्शन करने चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह का इतिहास है पूरा, जो जो नेक कमाई करता था अपने 10-9 की कीर्ति कहती है जिसे, गुरु नानक पातशाह उसके दर्शन करने जाते थे, लोग तरसते हैं गुरु नानक के दर्शनों को, गुरु नानक कहते हैं मैं तरसता हूँ कोई सच का व्यापारी हो, मैं उसके दर्शन करूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, अगर सच्चाई पर चलने से गुरु नानक मिल जाए और क्या चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हमें सुमत बख्शे, सच का व्यापार करना आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक और छोटी सी घटना दास ले लिया, गुरु नानक पातशाह बैठे हैं जंगल में, एक जवान लड़की ने देखा कि कोई साधु बैठा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसने आके माथा टेका और कहने लगा कोई सेवा दो मुझे। गुरु नानक पातशाह उसे देख के मुस्करा रहे, कहने क्या सेवा करेगा। कहने लगा यहाँ पर बगीचा है फलों का, हमने मेरे और मेरे मित्रों ने मिलकर बगीचा लिया हुआ है, मैं उसमें से फल तोड़कर आपको ला देता हूँ, वो थोड़े खा लीजिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। गुरु नानक पातशाह कहने लगे जा ले आ, पर केवल अपने पेड़ों के फल लेकर आना, मित्रों के पेड़ों के नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ध्यान से सुनना ये घटना को, केवल अपने पेड़ों से ही फल लेकर आना जो तेरे हैं। वो गया फल लेके आया, गुरु नानक पातशाह ने उसके चार हिस्से किए, एक खुद अपने लिए, एक भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी और एक ईसा, इसको दिया खाओ, और गुरु नानक पातशाह ने वो फल खाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस लड़के ने सवाल किया, आपने कहा स्पेशली कि मैं सिर्फ अपने पेड़ों के फल लेकर आऊँ, अगर मैं अपने मित्रों के पेड़ों के फल भी ले आता तो क्या हो जाता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पे बड़ा गहरा ज्ञान दिया, कहने लगे तेरा हक तेरे फलों पर था, अगर तो अपने मित्रों के पेड़ों के फल तोड़कर हमें भी खिलाता खुद भी खाता, तेरा मन कभी भी नाम जपने में नहीं जुड़ता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरे का हक जो खाता है उसका नाम जपने में मन नहीं लगता। हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, आते हैं महापुरुषों के पास जाते हैं कि हमारा नाम जपने में मन नहीं लगता, अपने अंदर झांक लिया करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं ये गलती हम नहीं कर रहे, दूसरे का हक को तो नहीं रख के बैठे, नहीं लगेगा मन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के वचन है कि लिव कभी नहीं लग सकेगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतना ही दूर होते जाएंगे कर्मी आपो अपनी के नेड़े दूर हो जाएंगे, अगर गुरु नानक के वचन मान के, बाबा नानक सिंह जी के वचन मान के जीवन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जीवन में नज़दीक हो जाएंगे, नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगे, हाजरा हजूर सुनते हैं लगने लग जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वरना दूर हो जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियाँ पढ़ लें, अब भीतर के विचार करेंगे, बार बार दास ने शॉर्ट में लिया है क्योंकि समझ में आ जाए, सच व्यापार, सच्चा व्यापार बाहर का भी है और भीतर का भी है। व्यापारी सच व्यापार करो,
सच व्यापार करो। सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, परी सच व्यापार करो, सच व्यापार करो। दरगे निब है, सच व्यापार करो, सच व्यापार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच का व्यापार। हलत पलत दोय लेहो सवार, राम नाम अंतर उद्धार। हलत यहाँ का, पलत वहाँ का, दोनों सवर जाएंगे तेरी, इस जहान के भी उस जहान पे भी, अगर राम नाम को अपने अंदर बसा लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले इन पंक्तियों को समझ लें। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे थी साच परीख्या। पूरे गुरु का उपदेश भी पूरा होता है, अधूरा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझा रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के, पूरा गुरु जो कह रहे हैं उसे मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तेरा नुकसान नहीं हो सकेगा कभी। मन से ये भरम निकाल दो कि मैं हेरा फेरी करके ही कमाता हूँ। नहीं, कमाता तो अपनी किस्मत का है, हेरा फेरी करके अपनी किस्मत खराब कर लेते हैं उल्टा आगे की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस्मत क्या है, अपने किए हुए कर्म ही किस्मत बनते हैं। आज नेक कर्म करेंगे कल वही किस्मत बन के आगे आएगी, आज बुरे कर्म करेंगे वही चीज किस्मत बन के आगे आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कहते हैं ना, पता नहीं आज कौन सा कर्म किया था, ये दिन दिखना पड़ा, किया था ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पता नहीं कौन सा नेक कर्म किया था, जितना शुभ समय आया, किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, उन वत्ते हर नाम न बीजो अगे भूखा क्या खाए। अगर अभी नाम नहीं बीजेगा आगे क्या खाएगा, मतलब जो अब खा रहे हैं पहले भेजा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी एक एक सवाल का जवाब देती है, एक एक सवाल का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बसे थी साच परीख्या। जो इस गुरु की शिक्षा को मन में बसा के उस पर चल जाता है, वो परीक्षा में से पास हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन तन नाम जपो लिव लाए, अगर तू गुरु की बात मान के मन और तन, तन से आप बैठ गए, अब मन भी लगा दिया यहाँ पे, मन से नाम जप लिया, क्या होगा, दुख दर्द मन ते भाव जाए, ना दुख रहेगा ना दर्द रहेगा, डर खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर तरह का डर, हर तरह का दुख, हर तरह का दर्द, अगर मन तन नाम जपो लिव लाए, लिव लगा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब बालक का जन्म होता है ना बच्चे का, तो वो रोता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कहती है, गुरु साहिब जी फरमाते, रोता इसलिए है क्योंकि उसकी लिव जुड़ी हुई थी परमात्मा से, माता के गर्भ में, बाहर आते ही लिव टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो इसलिए रोता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर बच्चा रात को जागता है, आप नोट करो, छोटा बच्चा सारे माता पिता परेशान रहते कि रात को जगाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरे अमृत वेला करते करते आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो माता के गर्भ में जुड़ा हुआ था,
उसका नेम बना हुआ है अमृत वेले का, हम सुला सुला के उसे बिगाड़ देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सोजा हमें भी सोने दे, सोजा हमें भी सोने दे। वो उसको जगा के रखो, उसका नेम बना के रखो, बनाना नहीं पड़ेगा आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपने आप को बदलो ताकि उसका भी नेम बदल जाए, बना रहे, उसको मत बदलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक का टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवे जाए। एक का सहारा ले लो गुरु नानक का, फिर से जन्म मरण के गेड़े में नहीं आना पड़ेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस एक मालिक का, एक ओंकार, उस परमेश्वर का एक सहारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तारे जीड़े एक टेक तो लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आइए कार जावे रास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भीतर का व्यापार बड़े ध्यान से सुनना। किन ही बन जिया कांसी तांबा, किन ही लौंग सुपारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारा उदाहरण दे रहे हैं भगत कबीर जी, श्रवण कीजिए। किन ही बन जिया कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी। संत हो बन जे नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी, संत हो बन जे नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी ने कांसी का बिजनेस किया, किसी ने तांबा का, किसी ने लौंग का, किसी ने सुपारी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतों ने भी बिजनेस किया, व्यापारी उन्होंने भी किया है, संतों महापुरुषों ने, पर किसका किया है? नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। व्यापार क्या होता है थोड़ा सा समझ ले। व्यापार किसे कहते हैं? हम एक जगह से माल खरीदते हैं, उसमें थोड़ा मुनाफा रखते हैं, दूसरी जगह जाके बेचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसमें जो बचता है उसे कहते हैं मुनाफा, इसी को व्यापार कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत भी यही करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले कमाई करते हैं नाम की, अनथक कमाई करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीवन इतना ऊंचा कर लेते हैं, कैरेक्टर को संभाल लेते हैं, नाम जप लेते हैं, कमाई करने के बाद फिर वो लोगों को जोड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम दान देते हैं, नाम से जोड़ देते हैं, यह उनकी कमाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम कमाया, अब नाम कमाने के बाद उसका व्यापार किया, व्यापार करके जो भी आया उसे नाम से जोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस भावना से भी आया, कोई दुश्मन आया, कोई मित्र आया, किसी भी प्रकार से कोई आया, कोई चोर आया, कोई डाकू आया, उनका एक ही काम है, नाम से जोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यह उनका व्यापार है। कहते हैं ये सच्चा व्यापार है, सच व्यापार करो व्यापारी, ये सच्चा व्यापार है। अगर तूने ये व्यापार कर लिया, डर गए निभे खेप तुम्हारी। बाकी सारा व्यापार जो हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे करना मजबूरी है, करना पड़ेगा, जीवन में जीना है तो सच्चा व्यापार। पर ये सबसे सच्चा उत्तम व्यापार कहा है, नाम का व्यापार, कि ये जो तू नाम का एक धन इकट्ठा करेगा, ये तेरे साथ दरगाह में जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जहाँ पर और कुछ नहीं जाएगा, तेरे सगे संबंधी, तेरा अपना शरीर तक नहीं जाएगा, वहाँ पर ये तेरा नाम, तेरे जपा हुआ इकट्ठा किया हुआ धन, नाम का धन तेरे साथ जाएगा। साथ ना चाले बिन भजन, बिख्या सगली हर हर नाम कमावना, नानक ए धन सार। ये कमा नाम का धन, ये सच्चा व्यापार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब कोई छोटा बिजनेसमैन होता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, कोई अंबानी होता है, कोई छोटी दुकान वाला होता है, डिपेंड हम पर करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में जैसी संगत में बैठेंगे ना, वैसे हो जाता है इंसान। छोटी सोच वाले होते हैं, छोटी सोच में एक एक दुकान वाले साथ में बैठेंगे ना, अभी आपस में जिसकी एक दुकान है उसे क्या सिखाया जाता है? दुनियावी बात बीच में दास ले रहे हैं, पर कीमती है, थोड़ी समझ आ जाएगी, क्योंकि दास जो पॉइंट समझाना चाहते हैं। जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, पिता समझाते हैं, बेटा दुकान पे खुद नहीं बैठेगा ना,
तो आदमी कमा के नहीं देते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें यही सिखाया जाता है, हम सारा जीवन एक दुकान पे बैठे रह जाते हैं, आगे तरक्की नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब अंबानी हर दुकान पे बैठ सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमीर पिता अपने बच्चों को सिखाता है, चाहे आदमी चोरी करे करने दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो एक दुकान पे बैठा रहेगा, हमेशा एक ही दुकान पे बैठा रहेगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। 100 दुकानें खोल दे, आदमी खाता खाने दे, अगर तुझे एक दुकान से 5,000 भी बचा रहे ना, तो तू 100 में से कितना बचा लेगा वो सोच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी दुकानदार की सोच होती है, बड़े लोगों की। इसी प्रकार संतों की सोच होती है। हमारी सोच यहाँ तक सीमित है कि हम नाम जप लें, हम नाम जप लें बस। संतों की सोच होती है बिजनेस बढ़ाएं कैसे, नाम जपाएं कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उतने बड़े व्यापारी बन जाएंगे वो, बाबा नंद सिंह जी के जैसा नाम का व्यापारी कौन हो सकता है। इतना नाम जपाया, आज भी उनका नाम लो, मतलब कितने रागी, कितने प्रचारक, मेरे जैसे ना जाने हजारों सैकड़ों, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से बड़े बड़े महान कीर्तनी है इतने बैठे हैं, नाम बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनका जीवन पढ़ के जिनका जीवन बन गया, बाबा नंद सिंह जी का जो एक बार जीवन पढ़ लेना, जीवन पलटी खाना ही खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर पंक्ति पर नाम की बात, हर अंग में आप बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ोगे, आपका नित्यनेम बढ़ाना नहीं पड़ेगा, बढ़ता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चाव पैदा हो जाएगा। ये संत का, अगर हम छोटे बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे, छोटे व्यापारी बन करेंगे, बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे, सोच खुलेगी, बड़े व्यापारी बन जाएंगे। अगर संतों के साथ बैठेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, बड़ी सोच हो जाएगी कि खुद कमाना है, उसके बाद दूसरों को भी बांटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जोड़ना है। क्योंकि दूसरों को जोड़ने से बड़ा ना कोई पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं। गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जो दूसरों को जोड़ते हैं। एक होता है अपना पेट भरना, एक दूसरे का भरना। एक होता है अपना दुख दूर करना, दूसरों के दुख दूर करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दुख दूर हो जाते हैं सबको पता है। इसलिए दास बार बार एक बात कहता है, जोड़ो, जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। कोई कहता है ना जल्दी कृपा कैसे हो, मैं कहता हूँ एक ही तरीका है जो फतेह सिंह ने बाबा नंद सिंह जी से कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फतेह सिंह वाली घटना सबने सुन रखी, हाथ खड़े करो जिन्होंने सुन रखी है। अरे वाह, मैं तो बहुत बार, 2-3 बार सुना चुका हूँ, और वो है ऐसी घटना कि अमृत वाला बन ही जाता है इंसान का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो जो ढोल बजाता है, उठ जाग सवेरे जी, अभी याद आ गई तो हाथ खड़े कीजिए। हाँ, सबने सुन रखी है, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका नाम फतेह सिंह था ना, बाबा नंद सिंह जी ने क्या कहा था, कहता है कुछ जल्दी बताओ। कहने लगे जल्दी का तो एक ही तरीका, काम हो जाए, मैं रोड पर आ गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, सारे सुख वापस मिल जाए। कहने लगे जल्दी का तो एक ही तरीका है, दूसरों को उठा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खुद तो उठेगा ही, पर उठ के दूसरों को अगर तूने उठा दिया, तेरे कहने पे कुछ लोग उठ के नाम जपने लग गए, तेरे पुण्य इतने जल्दी बढ़ जाएंगे, जन्मों का काम दिनों में हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उसने क्या किया था, 2 बजे ढोल लेकर लोगों के घर के बाहर बजा रहा था। एक बार गा ही लेते हैं, उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 बजे लोगों के घर के बाहर जाके ढोल बजा रहे, पर कईयों ने सोचा उन्हें धक्के मारे, कईयों ने गालियां दी, कईयों ने पीटा भी, इतिहास है, पर कईयों ने सोचा बात तो सच्ची कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उठकर बैठ गए, जपने लग गए, इतिहास है और प्रमाण भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिंपरी से कोई एक बच्चा वहां पे गया, जगरावा में, जहां पे दास ने ये बात बताई, घर ढूंढा इनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और वीडियो बना के लाया शूट करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनके परिवार में से अब जो हैं,
अब भी ढोल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। पूछा भी अभी क्या जरूरत है, कहने लगे सब कुछ पाया है इससे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या किया, खुद तो उठते हैं हम, दूसरों को जोड़ने वाला गुरु नानक इतना प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि गुरु नानक का उद्देश्य क्या था, गुरु नानक पातशाह का कार कार अंदर धर्मशाल हो वह कीर्तन कहते थे। धर्मशाल किसे कहते हैं, गुरुद्वारे को। एक होता है गुरुद्वारा बनाना, गुरु नानक पातशाह का उद्देश्य था हर घर गुरुद्वारा बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरुद्वारा ना बनाए हम, घर को ही गुरुद्वारा बनाए। डिपेंड करता है सत्संग जी हमारी मन स्थिति पर। अगर ज्ञान हो ना इंसान, अगर ज्ञान नहीं है तो इंसान गुरुद्वारे को भी धंधा बना लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दुकान बना लेता है। और अगर ज्ञान है तो दुकान को भी मंदिर बना सकते हो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच का व्यापार हो रहा है, चीटिंग नहीं हो रही, जहाँ नाम जपा जा रहा है गुरुद्वारा ही है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मंदिर है वो। और जिस मंदिर में बेईमानी हो रही हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो तो व्यापार है ना। जिस गुरुद्वारे में बेईमानी हो रही हो, डिपेंड करता है सारी मन स्थिति पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दरगह निबह खेप तुम्हारी, किन्नी ही बनसिया कांजी कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी, जो नाम के व्यापारी होते हैं उन्हें हीरा मिल गया अब नाम का। जिसे हीरा मिल जाए वो सब्जियां क्यों बेचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। प्यार से बोलिए धन, वो कपड़ा क्यों बेचेगा, हीरा ही मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची वस्त के पहाड़ चलाए, पहुंचे जाए भंडारी। जिन्होंने सच का वणज किया, व्यापार किया नाम का, वहां पहुंच गए प्रभु की दरगाह में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि ये जो व्यापार है सच्चा, ये वहाँ पहुँचा देता है प्रभु की दरगाह में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई रुकावट नहीं वहाँ फिर जाने में, जिसने सच्चा व्यापार किया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियाँ पढ़ लें। व्यापारी सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, संत सच्चे नाम के व्यापारी होते हैं। बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ लो, बाबा ईश्वर सिंह जी, किसी भी महापुरुष का जीवन पढ़ लो, एक ही बात, नितनेम कितना है तुम्हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला सवाल होता था तुम्हारा नितनेम कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, तेरा परिवार कितना है, पर बाबा नंद सिंह जी पूछते थे तेरा गुरु से प्यार कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विरले, क्योंकि नाम के व्यापारी है ना, ग्राहक आ गया सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपनी टीम को समझा के रखा हुआ है, मतलब हमारे अमृतरा ट्रस्ट की जो टीम है ना, सारे प्रेमी हैं। एक बहुत बड़ी बात है अमृतरा ट्रस्ट, गुरु नानक की इतनी कृपा है। आप ये जितने भी कैमरे वाले देख रहे हो, जो लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, जितनी भी सेवादार आपको टीम दिखाई दे रही है,
ये पैसों के लिए नहीं करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूरा दिन अपनी दुकान संभालते हैं, मेरा सर झुकते हैं इनके चरणों में। मेरे साथ जो जो अपने आप को मेरा सेवादार कहते हैं, मैं उन्हें अपना मित्र कहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मेरे साथ रहते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं दुकान पे, सोने को नहीं मिलता उनको, मुश्किल से 3-4 घंटे सोने को मिलता है, सच्चा भी नहीं, और फिर अमृत वाले पूरी रात बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चा व्यापार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन ये बात आज बीच में इसलिए बता देता है कि हमें कुछ प्रेरणा मिल जाए, हम कहाँ खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रस आ जाए ना एक बार सेवा में, रस आ जाए एक बार सिमरन में, फिर नींद कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह के पास कोई भी आ जाए, सबसे पहला सवाल नित्यनेम क्या है हर किसी से। एक बहुत अमीर आदमी आ गया, साथ में चमचे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बार बार के इसकी पहचान बहुत है, इसकी पहचान बहुत है, कोई काम हो तो बताना, इसकी पहचान बहुत है, ये बहुत बड़ा आदमी है, इतने लाखों का लाइट का बिल भरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जमाने में बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी पहचान है। बाबा नंद सिंह जी आखिर में पूछा, भाई नित्यनेम क्या करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहते हैं नित्यनेम क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि तेरे जैसा अमीर आदमी कोई नहीं हो। धन गुरु नानक। ऐसा 2% का कंगाल कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान हो गया, अभी कोई किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे कहने की किसी बड़े आदमी को। पर बेपरवाह ताको को परवाह का कोई जय गोपाल सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे किसी की परवाह नहीं, जो पूर्ण संत होते वो किसी की परवाह नहीं करते, हमारे जैसे होते जो डरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच कह दिया कि तेरे जैसा कंगाल कोई नहीं। तू कहता है कि तू बहुत अमीर आदमी है, नित्यनेम नहीं पता तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो थोड़ा घबरा के कहने लगा, नित्यनेम क्या होता है। कहने लगे, जो रोज नाम जपते, कितना जपता है। कहने लगा, मैंने तो कभी जपा नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। उठता हूँ, नीचे मंत्री बैठे होते हैं, नीचे इतने लोग बैठे होते हैं मिलने के लिए, समय ही नहीं होता। पूरा दिन मेरा ऐसे बीत जाता है, रात तक मुश्किल से थोड़ा सोता हूँ, फिर उठता हूँ, काम काम काम। बड़ा आदमी हूँ तो बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, मेरे पास समय नहीं होता। बाबा नंद सिंह जी ने कहा, बिल्कुल समय नहीं होता। कहने लगा नहीं। कहने की बाथरूम में जाता है तब क्या करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहीं जप लिया कर, तेरा भला हो जाएगा। और ये औहदा, ये लोग कुछ नहीं रहे, नाम ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तू वो नाम नहीं जपेगा, ये औहदा, ये लोग कुछ नहीं रहेंगे तेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव देखिए कैसे समझाया उसे, नाम से कैसे जोड़ा। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी, एक लड़की आ गई उनके पास, कहने की मेरा भाई डॉक्टर बन गया है, बहुत बड़ा अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, पर नास्तिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम बिल्कुल नहीं जपता, बिल्कुल जपने को तैयार नहीं करता, समय ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे भाई का भला कैसे होगा, कुछ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी बहनी होनी चाहिए, भाई की फिक्र हो तो नाम जपने की हो, ऐसे भाई होने चाहिए। फिक्र एक दूसरे की हो तो ये फिक्र रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये बेस है, अगर नाम जपने लग गया ना कोई, तो उसके दुख तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, दुख आएंगे ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई वीर सिंह जी कहने लगे कि उसे एक बार यहाँ बुला दो, मुझसे मिला दो। तो बहन ने बहुत जिद की अपने भाई से, उसके बाद उसने एक महीना निकाला, इंडिया आ जा मेरे कहने पे, मेरे लिए इतना तो कर दे। तो काफ़ी समय बाद उसने एक महीना निकाला, इंडिया आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई वीर सिंह जी के पास ले गए। भाई वीर सिंह जी दास ने बताया कितने कमाई वाले महान लेखक हुए, असल में अवस्था संतों की थी, पर अपने साथ भाई लिखाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी, जब वो मिला डॉक्टर, कहने लगे नाम जप लिया कर, कहने लगे समय नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भाई वीर सिंह जी कापी और पेन पकड़ के बैठ गए, पता कभी क्या करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी खाता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, मैं तुझे टाइम टेबल बना के देता हूँ। और उसने टाइम टेबल बनाना शुरू किया तो समय है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल से 3-3.5 घंटे सो रहा है, बाकी पूरा दिन इतना बड़ा डॉक्टर है कि लोग बीमार है, दूर दूर से बड़े बड़े लोग फोन करके बुलाते हैं, ये जाता है आता है, पूरा दिन कार में बीतता है इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई वीर सिंह जी ने यहाँ पे पकड़ लिया, कहने लगा तू कहता समय नहीं है, अब जो तू ड्राइव करके जा रहा है, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 1.25 घंटा, कभी 1 घंटा,
वो ड्राइव के टाइम तो पाठ कर ले, नाम जप ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वाहेगुरु वाहेगुरु कर लिया कर, कह लेगा ये मैं कर सकता, सफर तेरी भक्ति बन जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कह लेगा ये मैं कर सकता हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आप बोलोगे बैठ अमृत वेले उठ नाम जप, मैं ये नहीं कर सकता, पर जितना मेरा सफर है मैं वाहेगुरु वाहेगुरु करूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस डॉक्टर का ऐसा जीवन बदला, ऐसा जीवन बदला कि वो जो केवल कार में वाहेगुरु वाहेगुरु करना चाहता था पक्का नित्यनेम हो गया अमृत वेले का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों? बात मान ली, महापुरुषों को जो बात मान लेता है ना उस पर फूल चढ़ा देता है, शक्ति गुरु की वापरती है, फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए महापुरुष वचन किया करते थे, बहुत बार कहते थे संत कोई ऐसी बात कर दे आपसे जो आपको मुश्किल लगे, नहीं कर सकते फिर भी सत वचन कह दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचो मैं कोशिश जरूर करूंगा इनके कहने पर, जो कोशिश करोगे ना ताकत वो गुरु नानक दे देगा, क्योंकि संतों के मुख से निकली है बात, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे अपने प्यारों की लाज रखनी पड़ती है, वो आके वर्तता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच का व्यापार आया, कहां कहां से जोड़ दिया, ये है नाम के व्यापारी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस वखर को लैंड तो आया, राम नाम संतन कर पाया, ताज अभिमान ले मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संते संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कहे सब कोय, मुख उजल हर दरगे सोए, ऐ व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सद बलहार है, कोई विरला है जो इस पर चल पाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस वखर को लैन तो आए, जिस वस्तु को लेने के लिए तेरा जन्म हुआ है उसे छोड़ के बैठे हम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम का नाम कहाँ मिलेगा, संतों के पास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस वखर को लैन तो आया, राम नाम संतन घर पाया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तज अभिमान ले मन मोल, अपना अहंकार छोड़ और फिर ये खरीद ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम खरीद ले, नाम का मूल्य क्या है, नाम का मूल्य क्या है, नाम मन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की मत मन दे दे, नाम ले ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मत दे दे, गुरु की मत ले ले, यही नाम है, अपनी मत खत्म। तज अभिमान ले हो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाद खेप संते संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, संतों के साथ बैठ और नाम की खेप उठा ली, खेप कहते हैं प्रोडक्ट जाके बेचने हैं ना जो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खेप रसद उठा ले, सामान उठा ले नाम का अपने साथ, संतों के साथ चल पड़, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा, धन धन कहे सब कोई, मुख उजल हर दरगह सोए, यहाँ पर भी लोग तुझे धन कहेंगे और दरगाह में भी तेरा मुख उजला होगा, तुझे सत्कार से बुलाया जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ए व्यापार विरला व्यापार है, ये हर कोई करता नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ हर कोई नहीं करता, पर जो अमृत वेले उठता है ना वो कर सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेले की ताकत को छोटा मत समझना, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, जो किस्मत में नहीं भी लिखा ना, आप जो चाहो गुरु से मांग ले तो, अमृत वेले की ताकत वो है, आप जो चाहो गुरु से मांगो, गुरु को देना पड़ेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बशर्ते नित्यनेम संभाल लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सद बलिहार है, गुरु नानक पाशा कहते मैं कुर्बान जाऊं जो ये व्यापार कर ले, सच्चा व्यापार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल के पहलू है साथ संगत, कौन सी बात बताए और कौन सी ना बताए दास। और दो पंक्तियां पढ़ लेंगे। व्यापारी सच व्यापार करो, सच व्यापार है।
सचवा पार करो परी सचवा पार करो सचवा पार धन गुरु नानक भगत रविदास जी। भगत रविदास जी कहते हैं मैंने ये व्यापार करके इतना मुनाफा कमा लिया, इतना मुनाफा कमा लिया। होता है ना जैसे कोई मिडिल क्लास आदमी पहले गरीब आदमी हो, कमा ले थोड़ा तो फिर एक अच्छा घर ले लेता है, फिर और अच्छा कमा ले तो फिर अच्छी कॉलोनी में ले लेता है, फिर बहुत ज़्यादा अमीर। रविदास जी कहते हैं मैंने इतना मुनाफा की तरफ बड़ी जगह लेकर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी कहते मैंने इतना मुनाफा कमाया व्यापार से कि मैंने ऐसा घर ले लिया और उस घर में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कहीं मिलती ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल है। कौन सी फैसिलिटीज हैं और कौन सा घर है, ये फैसिलिटी सुन के तो मन करता है ये घर तो होना ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ढूंढते 24 घंटे पानी मिल जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ऐसी ऐसी फैसिलिटीज है कि ऐसा लगता है कि सच में ये जगह है, अगर है तो हमें वहाँ घर लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए भगत रविदास जी क्या कह रहे हैं। बेगमपुरा शहर को लाओ, दुख अंधो नहीं तहठाओ, ना तस्वीर खिराज नमा, हसब न खता न तरस जवा। हस बोलिए धन धन। कहने के जिस शहर में मैंने ये घर बनाया है उसका नाम है बेगमपुरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऐसा शहर है जहाँ पर मैंने घर लिया, जहाँ पर कोई गम की एंट्री ही नहीं है, कोई दुख आ ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले ये फैसिलिटी है कि कोई दुख एंट्री नहीं कर सकता। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तय ठाओ, ना तस्वीर खिराज न माल, ना वहाँ पर मकान का किराया भरना पड़ता है, ना मकान का टैक्स देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खौफ न खता न तरस जवाल, ना किसी का डर, कोई चोर नहीं आ सकता, कोई डाकू वहाँ लूटने नहीं आ सकता, कोई डर नहीं वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रोटेक्शन पूरी है। अब मोए खूब वतन गह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। इतनी प्यारी जगह मिल गई है मुझे, मेरा मन यहाँ लग गया है, वहाँ पर वहाँ खैर सदा हमेशा का सुख मिल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कौन सी जगह है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कौन सा शहर है, कहाँ पर मिलेगा ये। तो आही कायम दायम सदा पातशाही, दो मन सेम एक सुआही, हमेशा की आत्मिक अवस्था मिल गई। एक होता है ना यहाँ पे हमें एक अवस्था मिली फिर गिर गई, फिर थोड़ी ऊपर उठी फिर दूसरे दिन गिर गई, पर यहाँ पर जो अवस्था मिली है मुझे कभी गिरेगी ही नहीं, सदैव ही अवस्था मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कायम दायम सदा पातशाही, हमेशा की पातशाही, दो मन सेम एक सो आहे, वहाँ पर सब सेम है, कोई पहला दर्जा दूसरा दर्जा तीसरा दर्जा नहीं, सारे ही पहले दर्जे के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सो आहे आबादान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसे मामूर, वहाँ पर राजे बसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिनके पास नाम धन का खजाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम महल ना को अटकावे, जहाँ जी आए वहाँ कोई जाता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, उस महल में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अब ये शहर कहाँ पर है, बेगमपुरा शहर को नाओ, मैंने इतना नाम का धन इकट्ठा कर लिया, इतना मुनाफा कमा लिया लोगों को जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ के, अब मुझे वो शहर में मुझे घर मिल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शहर कहाँ है, हृदय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर, घर को कहा है हृदय को, कि यहाँ पर अब कोई गम नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मेरा डर खत्म हो गया, मेरे दुख खत्म हो गए, मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरी हमेशा की सदीवी चिंताएं खत्म हो गई, केवल आनंद ही आनंद है, सदैव ही खुशी मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का व्यापार किया तो मुझे गुरु ने वो फल दिया,
बेगमपुरा, जहाँ पर सारे संत महापुरुष रहते हैं, वहाँ पर मैं भी रहता हूँ। अब प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भाऊ उस अवस्था को मैं खेल रहा हूँ जिस पे पूर्ण संत महापुरुष खेलते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये व्यापार दूसरा कोई व्यापार करोगे घाटा हो सकता है, कभी कभी मुनाफा कभी घाटा। बाबा नंद सिंह जी कहते थे नाम के व्यापार में घाटा हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। दास फिर से शॉर्ट नहीं हो सकता, लाभ ही लाभ है। दास फिर से शॉर्ट में बता दे महापुरुषों के वचन, वो वाणी प्रमाणित करती है। कोई 24 25 26 30 साल लगा के डॉक्टर बने, मेहनत करे, इंजीनियर बने, मेहनत करे, मर गया फिर से जन्म होगा तो फिर से सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। वो पढ़ाई साथ में नहीं गई, 30 साल की मेहनत व्यर्थ चली गई। और कहते थे कोई नाम जप की अवस्था हासिल कर ले, नाम जप रहा है सूरत ऊँची उठनी शुरू हो गई, जिस अवस्था में वो इस वक्त है मरेगा, जब जन्म होगा तो उसी अवस्था के साथ पैदा होगा। एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। अगर इस बार क्रोध पर काबू पा लिया है तो जब अगला जन्म होगा तो क्रोध पर काबू पाया हुआ होगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। आप देखते होंगे कई बालक बड़े सहज होते हैं, कोई बचपन से ही नाम से जुड़े होते हैं, पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, क्योंकि व्यर्थ नहीं जा रहा। बाबा नंद सिंह जी कहते थे हमने अपने पिछले 100 जन्म देखे। बाबा मार नाम सिंह जी कहते थे कि बाबा नंद सिंह जी को 100 जन्मों से देखते आए, साथ में आए हमारे, बात किसी को हजम होगी नहीं इसलिए दादा यहाँ पे कहता नहीं, क्योंकि तर्क करने वाले बहुत है ना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं दास बहुत सारी बातें स्टेज पे नहीं करता क्योंकि नहीं हजम होती। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हाजमा देखना पड़ता है पहले, फिर सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाई जमा हो के अवस्था मिलती है, वो अवस्था व्यर्थ नहीं जाती। ये जो व्यापार है नुकसान एक पैसे का भी नहीं है, फायदा होगा ही होगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कोई कर ले, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, वो लेकर फिर समाप्ति करेंगे क्योंकि मुझे पता है लेट हो रहा है, पर आप लोगों ने हाथ खड़े किए थे बैठा करेंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए दास बैठा है आराम से, आनंद ले रहा है, इसलिए उठना नहीं भाई। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक संत टहलदास जी हुए, कमाई वाले संत महापुरुष। बात क्या है, बात क्या चल रही है, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चिड़ा निर्मोलक छुहर से संसारी, नाम का व्यापार, कोई भी आ जाए नाम से जोड़ देना है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। समागम चल रहे हैं, समागम होना है, समागम होता है जैसे यहाँ पे समागम चालू हो तो गोडाउन में रसद भरी पड़ी है, कई सौ गोनियाँ चावल की, कई डब्बे तेल के, बड़े रसद पड़ी रहती है ना, चोरों को पता चल गया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जहाँ समागम होना था, उनका जो डेरा था वहाँ पे समागम था, रसद पड़ी है कई कमरों में, यहाँ पे चावल, यहाँ पे आटा, यहाँ पे तेल, और कुछ महंगे महंगे सामान होते हैं वो अलग कमरे में। रात को चोर आ गए, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। 1 बजे चोर आ गए चोरी करने, पूरा ग्रुप आ गया, उनमें से एक मुखी चोर। सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताले तोड़े, सामान इकट्ठा कर रहे, सब उठा रहे हैं, बांध रहे हैं सब निकाल निकाल के। अब इन्हें क्या पता संत रात को सोते नहीं, प्यार कर रहे थे, उठे अचानक। संत टहलदास जी अपना नित्यनेम कर रहे थे, उठे अचानक, बाहर सैर करने निकले। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। 1:30 बजे बाहर आ गए, बाहर आए तो देखा चोर सारे सामान इकट्ठा कर रहे हैं। चोर इन्हें देख कर घबरा गए, ये चोर को देख के मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब सब सोच रहे हैं इनको पकड़ें कि भागें, देख लिया इन्होंने तो। संत टहलदास जी कहने, नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, और जेब में से चाबियों का गुच्छा निकाला, फेंक दिया चोर की तरफ। कहने लगे, भाई असल सामान तो इस कमरे में पड़ा है, महंगा सामान। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ से ले जाओ, तुम्हारी बात बन जाएगी, लगता है तुम बहुत जरूरतमंद हो। ये जो भोजन, जो लंगर, जो सामान है, ये संगत के लिए ही है, जरूरतमंद लोगों के लिए ही है, पर लगता है तुम्हें जरूरत ज़्यादा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम ले जाओ, यहाँ पर महंगा सामान पड़ा है, ये भी ले जाओ।
पहली बार चोरों ने ऐसा कोई आदमी देखा, यार जी बोलिए धन गुरु नानक जो चाबियां फेंक रहा हो। अब समझ में ना आए कि क्या करें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ये बात वापिस महापुरुष ने किया, प्यार से बोलिए धन गुरु, जरूरतमंदों के लिए, तो जो चोरों का मुखी था उसका मन पिघल गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रुक गया, बाकी सारे चोर भाग गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सामान छोड़ के ये रुक गया। ये रुक गया, कहने लगे महापुरुषों आपने कहा जरूरतमंदों का है, हाँ जरूरत तो हमें है बहुत, पर नहीं अब लेके जाने का मन नहीं करता, अब चाबियां भी ले लो सामान भी छोड़ के हम जा रहे हैं। महापुरुष कहने लगे नहीं जाने नहीं दूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, या तो सामान लेके चोरी करके जा, या तो फिर हम अगर नहीं लेके गया तो फिर पुलिस में कंप्लेन करेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये और अजीब बात सुनी उसने भाई, अगर नहीं लेके गया तो कंप्लेन करेंगे, ले गया तो नहीं करेंगे, ये कैसे लोग हैं। कह लगे महापुरुष मुझे भूल हो गई, माफी दे दो। कह लगे नहीं कोई माफी नहीं, सामान लेके जा। उसने चरण पकड़ लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से समझना महापुरुषों की ताकत, महापुरुषों की कमाई और महापुरुषों का व्यापार, बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं उस चोर ने जिसका नाम था सुरजन, चरण पकड़ लिए महापुरुषों के कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गुनाह माफ़ कर दो, मैंने पहली बार किसी सच्चे संत के दर्शन किए हैं, सच्चा संत देखा है जो ऐसे कह रहे हैं कि सारा सामान ले जाओ, जो मुझे हम सब कुछ देने को तैयार है। महापुरुष कहने लगे तुझे सारा सामान देने को तैयार हूँ, पर तू कह रहा है बख्श दो, तेरे पाप बख्शने को तैयार नहीं हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण छोड़ दे, तू उस चरणों के लायक नहीं है, तू सामान ले जा, जो चाहिए ले जा, और धन चाहिए और दे दूंगा, पर इस चरण को छूने के लायक नहीं है तू, चरण छोड़, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर वो ढीठ था, चरण पकड़ के लेटा रहा, महापुरुषों के हाथ में चिमटा था, चिमटा आता लोहे का जो बजाते हैं। कहते हैं महापुरुषों ने जोर से, बहुत जोर से उसके पीठ पे मारा, खून निकला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, के चरण छोड़। पर उस सुरजन ने चरण नहीं छोड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने दूसरी बार चिमटा मारा, फिर से खून निकला, जख्म हो गया पीठ पर, चरण नहीं छोड़े। तीसरी बार मारा, चिल्लाया, रोए, उठाया गले से, पर चरण नहीं छोड़े। महापुरुष ने चिमटा फेंका, उसे उठाया गले से लगा लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे, कहने लगे तेरे तीन जन्मों के पाप माफ, इस जन्म के ही नहीं, तेरे तीन जन्मों के पाप माफ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर क्या हुआ, ये जो सुरजन जो चोर बन के आया था, ऐतिहासिक है घटना कि महापुरुषों के बाद जिसने गद्दी संभाली सेवा, वो सुरजन दास बना, फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर था, चोरी करने आया था, संत बना दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस गद्दी पे खुद बैठे थे, जिस सेवा में खुद संभालते थे डेरे की, उनके जाने के बाद वो गद्दी उन्हें मिली, सुरजन दास जी को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जीवन कैसे पलटी दे दिया, एक चोर का भी जीवन बदल के रख दिया, क्योंकि नाम के व्यापारी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर को भी नाम से जोड़ दिया, चोरी करने जो आया था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी। साखी है हम सब के लिए, संतों के लिए नहीं है सात संगत जी में दास, ये फतेह सिंह की जो साखी है हम सब के लिए है, हम सब जोड़ सकते हैं। कितने ग्रुप हैं जो अमृत वेले फ़ोन करके लोगों को उठाते हैं, फॉरेन में भी, यहाँ पर भी आपस में टाइम सेट करते हैं। कई लोग गाड़ियों की सेवा करके जो लेके आ रहे हैं, ये कोई छोटी सेवा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो आपके लिए यहाँ पर जोड़े घर में सुबह से आके बैठे, जो ये बिछा रहे हैं कि एक एक सेवा, एक एक सेवा जोड़ने की सेवा है, कोई भी कोई सेवा कर रहा है, ये जोड़ने की सेवा कर रहा है। मैं बता नहीं सकता इस सेवा का मोल। बाबा महापुरुष वचन किया करते थे अपनी सेवा को छोटा मत समझना, छोटी छोटी बात के लिए सेवा छोड़ने को तैयार मत हो जाया करो, कोई बड़ी बात भी हो जाए तब भी मत छोड़ा करो, क्योंकि ये सेवा जो तुम्हारी सेवा है ना, किसी की झाड़ू मारने की सेवा है, किसी की टाट बिछाने की, किसी की जोड़े घर की, किसी की जो भी सेवा है, कहते तुम्हारे दरगाह के ताले की चाबी है वो, उस सेवा चाबी को संभाल के रखना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब दरगाह में जाओगे ये सेवा तुम्हारे ताले खोल देगी दरगाह के, कि जाओ आओ जी आया नु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
दास हमेशा कहता, तुझसे बड़ी सेवा किसी टूटे हुए को जोड़ दो। दास हमेशा कहता है सबसे आसान है, आजकल तो मीडिया का युग है, लिंक शेयर करो, आगे भेजो, सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों को अगर गलती से एक बार कीर्तन सुन लिया, क्योंकि जितने भी लोग आज तक मिले हैं, जितने भी मिले हैं, सबका एक ही कहना है, क्लिप आई थी 2-3 मिनट की, वो सुनी, फिर और कीर्तन सुनने का दिल किया, और सुनने का दिल किया, जुड़ गया, अमीर तुल्ला बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तो कर सकते हो, सोशल मीडिया पर क्या क्या डालते हो, जो फेसबुक पर अपलोड होता है, यूट्यूब पर अपलोड होता है, लिंक शेयर तो कर सकते हो अपने मित्रों को, दोस्तों को। और लोग पता है क्या कहते हैं, बड़ी अजीब बात है, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, कहते हैं केवल उन्हीं ग्रुप में शेयर करते हैं जहाँ कीर्तन से जुड़े हुए लोग होते हैं। अरे वो तो जुड़े हुए हैं ही, उल्टा उन ग्रुप्स में शेयर करो जहाँ पे जुड़ा हुआ कोई भी नहीं है, शराबी कबाबी है जिनमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बिजनेस ग्रुप में शेयर करो, शायद उनमें से कोई जुड़ जाए, टूटा हुआ को जोड़ना है ना, जो जुड़े हुए उनको क्या जोड़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये छोटी सेवा नहीं है, आजकल मीडिया का युग है, उसका लाभ उठाओ, अपने अकाउंट्स बनाओ, उसमें शेयर करो कीर्तन, जिसका कीर्तन अच्छा लगे पहुंच जाएगा पता का, अच्छा लगेगा जो जोड़ सकता है शेयर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहुंच जाएगा पता नहीं कहाँ, किसकी सद्बुद्धि बदल जाए, किसका ज्ञान मिल जाए, अमृत वेले से जोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना दोस्त मिले मोबाइल लो पकड़ के सब्सक्राइब कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिल्ली में अमृत वेला ट्रस्ट की टीम है, वो हर संडे को रकावगंज साहब गुरुद्वारे के बाहर, बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर टेंट लगा के बैठती है, लोग संगत आती है, उनको बेनती करती है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई है, आपको लिंक आएगा, कीर्तन से जुड़िए, मोबाइल लेकर उनको सब्सक्राइब कराती है चैनल को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कोई छोटी सेवा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग मना कर देते होंगे, कई लोग नाराज होते होंगे, कई लोग कुछ कह देते होंगे, सब सहकर होती है सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे अब भी याद है जब पहली बार जब दास ने कई साल पहले जब अमृत वेला उल्लासनगर में शुरू किया था ना, तो मेरे मन में एक बात आई कि मैं गुरु नानक पाशा की तस्वीर बनाई, मैंने बनवाई बहुत सारी, और फिर एक फॉर्म बनाया और साइन करवाऊँ लोगों से घर घर जाके कि मैं अमृत वेले आऊँगा रोज़ कीर्तन शुरू करें। आज वो आके बैठे होते हैं, पर जब मैं उस दिन गया था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत साल पहले की बात है, ये टेकड़ी है ना, टेकड़ी अमीरों वाली टेकड़ी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहाँ पर फ्लैट में जैसे बेल बजाते थे तो गालियां दी थी, बाहर निकलो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है, ये होगा ही, पर यही तो प्रसाद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सहेगा वो लहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत सोचो सेवा बड़ी आसान है, ये जो सेवादार सेवा करते कईयों की बातें सुननी पड़ती है, कई लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा गलती अपनी होती है, डालते सेवादारों के ऊपर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादारों की भी गलती बहुत बार होती है, मैं ये नहीं कहता, पर सेवा करना बड़ा मुश्किल है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों के आगे बुरा बनना पड़ता है। हमने उन्हें कहा होता है हेडफोन बाहर नहीं जाने देने, अब वो रोकते हैं, कई झगड़ा करके लेके जाते हैं, बुरा उनके नहीं बना पड़ा सेवादारों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इतने हेडफोन महंगे हैं, रोज की कितनी चोरी हो जाती है, पर गुरु चलो सेवा करवा लेता है, कोशिश होती है कि ना चोरी हो, दूर दूर तो ना लेके जाए लोग, पर सेवादार को समझाए मत जाने दो, पर कहते हैं कहीं झगड़ा करते हैं मारने, छोटी सी बात एक दास। गुरु नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोटी सी बात एक दास बता रहे, बड़ी बात नहीं है कोई, पर सेवा में सहना पड़ता है तब जाके सेवा को फल लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पेड़ धूप सहता है, तूफान सहता है, बरसात सहता है, फिर जाके उसे फल लगता है, ऐसे ही नहीं सीधा फल लग जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवा का फल ऐसा नहीं कि सब तुम्हारी तारीफ ही करेंगे, नहीं, गालियां भी पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उन्हें सह लेना है, जिसने जवाब दे दिया आगे से सेवादार ने, वो अपनी सेवा गवा के चला गया। हमें संगत की सुनना है, संगत को सुनाना नहीं, हाथ जोड़ कर कहो, चाहे वो डांटे भी तो बोलो माफ़ कर दो, पर हुक्म है हमें, हम ऐसा नहीं करने दे सकते, ऐसे प्रेम से बात करनी है, अक्कड़ के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 यह व्यापार मुनाफे का व्यापार है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, नाम का व्यापार। मन बना लो, एक मन में धारणा धार लिया करो। पता है दास महापुरुषों के साथ रहा है, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, सुबह उठते चाह लेके उठते, आज बिजनेस में नेक काम करना है, किसकी मदद करनी है, किसका भला करना है, किसको जोड़ना है, एक 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 चाह लेके उठते, आज बिजनेस में चाह लेके उठता ना, ज़्यादा धंधा करना है,
उनका भी ये धंधा है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। हमारा व्यापार है दुकान पे तो ग्राहक ज्यादा है, कैसे खींचने, उनका है कि कैसे किसी को जोड़ देना है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। आप मन में ये विचार क्यों नहीं रख सकते, हम महापुरुष नहीं है पर हफ्ते में किसी एक को जोड़ दो। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। इतना तो रख लो कि एक हफ्ते में एक को जोड़ना है। दोस्तों से मिलते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो, आस पड़ोस में मिलते हो, बहाने से उसे जोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप अपना काम करो, कोई जुड़े या ना जुड़े वो घटना फिर से याद कर लिया करो। आग लगी है बस्ती में, सब देख रहे हैं, एक बुजुर्ग बाबा बाल्टी आहिस्ते से भर के लेके आ रहे हैं, छोटी सी बाल्टी, और पानी डाल रहे हैं। कहने लगे बाबा मूर्खता कर रहे हो, इतनी आग लगी है आपके एक बाल्टी से बुझ जाएगी। कहने लगे नहीं बुझेगी। फिर कहते क्यों डाल रहे हो। कहने लगे जब हिसाब होगा ना तो दो लिस्टें बनेंगी, एक जो तमाशा देख रहे थे, एक जो कोशिश कर रहे थे बुझाने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं दूसरी लिस्ट में नहीं आना चाहता तमाशा देखने वालों की, इसीलिए बाल्टी लेके पानी डाल रहा हूँ, कम से कम मेरा उस लिस्ट में नाम आएगा वही इसने कोशिश की थी दूसरों को जोड़ने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम उस लिस्ट में हमारा नाम ना आ जाए कि इन्होंने दूसरों को जोड़ने का कोशिश ही नहीं की। अपनी तरफ से आप कोशिश करो, जोड़ेगा गुरु नानक, अरदास गुरु को करके जाओ, जब जी सब जी का पाठ करके जाओ, फिर जाओ कैसे नहीं कोई जुड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आप नहीं बोलोगे, गुरु बोलेगा। मन में भावना तो हो जोड़ने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो फतेह सिंह वाली बात बन जाएगी, जन्मों के बाद दिनों में बन जाएगी, मन नहीं जुड़ता जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये मैं दस बड़ी बात बता रहा है, छोटी बातें चाहिए धंधा बढ़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसा आ जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, ये तो छोटी बातें, ये तो हो ही जाएंगी, ये तो फटाफट हो जाएंगी। मन जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए व्यापारी सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, सच व्यापार करो। दरगे निब है, दरगे निब है, दरगे निब है, दरगे निब है, एक तुम्हारे व्यापारी सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, परे सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, परे सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, हरि सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, हरि व्यापार करो, व्यापारी
सचिवा पार करो, सचिवा पार करो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुणासन हंसानन गरुणासन विश्वाहन साजे शिव ओंकार दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे स्वामी दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकार अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शशि धारी ओम जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी बाघंबर ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकार कर्मी श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेशा जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकार त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नगावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव।